हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमकुम सिंह, कुमकुम की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आम और चना का अचार का रेसिपी बता रही हूँ। ये काफी स्वादिष्ट बनता है, इसे लोग जब भी खाते हैं तो उंगलियाँ चाटते रह जाते हैं। ये पहली बार आप सुन रहे होंगे, ये मैं अपनी मॉम से सीखी हूँ। एक बार आप बना कर जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए मैं आपको आम और चना का अचार का रेसिपी बताती हूँ। ये चना लिए हैं 50 ग्राम, इसे हम आम के साथ मिक्स करके अचार बनाएंगे। इसके लिए हम इसको देखिए, वाइट विनेगर है, इसमें इसको भिंगा रहे हैं। ये 50 ग्राम चना है, ये 4 घंटे में फूल जाएगा। उसके बाद हम इसको आम में मिक्स करेंगे। ये आम का मैं इस तरह से पीस देके छोटे छोटे पीस में कट कर ली हूँ। मेरे चना भी मुझे विनेगर में भिंगाई थी, देखिए अच्छे से फूल गया है, अच्छा से फूल गया है। ये इसके लिए मैं, ये 1.5 kg आम है और ये 50 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा है। ये उसमें मैं ये 100 ग्राम सरसों, पीला सरसों जरूर डालिएगा, पीला या काला कोई भी डाल सकते हैं। और ये 2 चम्मच मंगरेला है, 2 चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच सौंफ है, ये काला नमक है स्वाद अनुसार, मेथी है 2 चम्मच, ये लाल मिर्च है, ये कश्मीरी मिर्च है। सबसे पहले मैं मेथी को भूनूंगी। देखिए मेरा मेथी भून गया है, हमें सिर्फ मेथी को ही भूनना है और इन सबको बस हल्का गर्म करना है, ताकि इसमें पानी का जरा भी अंश ना रहे, थोड़ा भी नहीं। इन सबको बस मैं गैस का फ्लेम बंद कर दे रही हूँ, बस इसको गर्म जो पैन है उसमें बस भून लेना है उसको हल्का। तो मैं मिक्सी के जार में डाल के पीस दे रही हूँ। सबसे पहले मैं जो ये मसाला पीस के तैयार किए हैं, सरसों, अजवाइन, मंगरेला, इसको डाल दी। ये लाल मिर्च है, अपने अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा कितना तीखा खाते हैं। ये लाल मिर्च है, ये बस कलर के लिए मैं डाल रही हूँ। नमक है, हल्दी पाउडर, इसमें मैं सफेद नमक भी डालूंगी क्योंकि आम काफी खट्टा होता है तो इसमें नमक ज्यादा पड़ेगा। नमक एक बार आप टेस्ट करके भी डाल सकते हैं, कहीं ज्यादा ना हो जाए, इसलिए नमक थोड़ा टेस्ट कर लेंगे। और इसमें मैं, ये देखिए ये मस्टर्ड ऑयल है, इसे मैं गर्म नहीं करूंगी, बस डायरेक्ट डालूंगी इसे, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अचार के बारे में लोग कहते हैं कि गर्म तेल करके डालने से अचार खराब नहीं होता, लेकिन आप ठंडा तेल ही डालिए, बिल्कुल खराब नहीं होगा। मैं तो पहले भी बता चुकी हूँ कि पुराना जो अचार हो गया उसमें भी आप ये तेल डाल करके उसको ताज़ा की तरह बना सकते हैं, उसका स्वाद एकदम ताज़ा की तरह हो जाएगा। इसलिए मैं तेल बिल्कुल गर्म नहीं करती, कभी भी नहीं। इस तरह से इसको लपेट लेना है, तो तेल सर इसका नीचे चला गया होगा। देखिए मसाला मेरा अच्छे से मिक्स हो गया इसमें पूरी तरह से आम में। अब मैं इसमें ये चना डाल रही हूँ। आप इस तरह का चना का अचार कभी नहीं खाएंगे, पर बना के देखिएगा, बहुत स्वादिष्ट बनता है। ये मेरी मम्मी हमेशा बनाती थी, मैं उन्हीं से सीखी हूँ, आप जरूर बनाए, बहुत स्वादिष्ट बनता है। आप कहीं भी देखिएगा, कभी भी आपको चना और आम का अचार नहीं मिल पाएगा, लेकिन एक बार बनाकर जरूर ट्राई कीजिए, बहुत स्वादिष्ट बनता है और एकदम नया है और बिल्कुल खराब नहीं होगा। देखिए मेरे विधि से बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। इसमें मैं थोड़ा और तेल डाल रही हूँ, ये थोड़ा तेल अच्छा, अचार में थोड़ा ज्यादा तेल डालना अच्छा रहता है। देखिए मेरा अचार अच्छे से तैयार हो गया है, इसको अंदर से चारों तरफ से मिक्स कर देना है। और नमक आप इसको एक बार टेस्ट करके नमक डालिएगा, फिर से दोबारा देख टेस्ट कर लीजिएगा, अगर कम रहेगा तो फिर से दोबारा डाल लीजिएगा। अब इसको एयर टाइट डब्बे में
रख देना है इसको, और धूप एक आध दिन दिखा सकते हैं, ज़्यादा दिखाने का भी जरूरत नहीं है। आप अगर ये फ्लैट पे रहते हैं तो आप बालकनी में भी रख करके दिखा सकते हैं। अब मैं इसको एक टाइट डब्बे में रख रही हूँ। मेरा आम और चना का अचार बनकर तैयार हो गया है, आप भी बना के जरूर ट्राई करें और बताएं कैसा बना। इस अचार को आप 2 से 3 दिन में खाने लगेगा। जैसे आम तो खा सकते हैं, पर चना थोड़ा सा इसको पकने में टाइम लगता है, 1 से 2 दिन में ठीक हो जाएगा ये, तो खाने में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। एक बार बना के जरूर ट्राई करें और बताएं कैसा बना।